गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर EVS क्लास ऑफ स्टैंडर्ड 2. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर सेफ्टी रूल्स, विच इज़ चैप्टर 9 इन योर EVS कोर्स बुक. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एक्सीडेंट सेफ्टी रूल्स, ट्रैफिक लाइट्स एंड फर्स्ट एड. Accident. Oh, I have broken mom's favorite vase. Oh, I have stood on the banana peel and I fell. Oh, I met with an accident. Children, what is common in these pictures? All are accident, having an accident. एक्सीडेंट कैन हैपन एनी वेयर. एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है. दे हैपन व्हेन वी एक्ट केयरलेसली. वो तभी होता है जब हम केयरलेस हो जाते हैं. फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड टू अवॉइड एक्सीडेंट. हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए. Road always walk on the footpath. Never play or run on the road. हमें हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए और रोड पर कभी नहीं दौड़ना या खेलना चाहिए. Always cross the road at the zebra crossing. Or use the subways. रोड हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए या सबवे को यूज़ करना चाहिए. Follow the traffic lights and cross only when the pedestrian light is green. Traffic light ko follow karna chahiye aur road tabhi cross karna chahiye jab pedestrian light green ho. Wait in a queue at the bus stop. Bus stop pe hamesha queue mein wait karna chahiye. Cross the road at the zebra crossing. Always wait in a queue for a bus. And when the bus arrives, we should not rush to get into the bus. और जब बस आती है तो हमें बस में इंटर करने के लिए एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए. So children, what you have understood? Always cross the road at the zebra crossing. Wait in a queue for bus. और बस And when the bus arrives, do not rush to get in. Follow the traffic lights. You have seen traffic lights, isn't it? आप सबने traffic lights देखा है. तो children, will you please tell me what does the red light says wait and the green light says go. Always follow traffic signals and sign. They are not for vehicles only. Hamesha hame traffic signal aur signs ko follow karna chahiye. Wo keval vehicles ke liye nahi hote hain. Signals and signs apply to everyone. Sign aur signal सभी के लिए अप्लाई किए जाते हैं, चाहे वो पैदल चलने वाला इंसान हो या व्हीकल्स में चलने वाले लोग. बी अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए. थिंक ऑफ योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड, अपने बारे में अपना ख्याल रखते हुए अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए. डू नॉट पुश योर हैंड्स आउट ऑफ द बस, कभी भी बस से हाथों को बाहर नहीं निकालना चाहिए. वी शुड नॉट वॉक इन अ मूविंग बस, और मूविंग बस में भी नहीं चलना चाहिए, वॉक नहीं करना चाहिए. यू मे फेल आउट ऑफ द बस, आप बस से बाहर गिर सकते हैं. चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर, वी मस्ट नॉट गेट इन और गेट आउट ऑफ अ मूविंग बस. हमें कभी भी चलती हुई बस से बाहर चलती हुई बस में ना अंदर जाना चाहिए ना उससे बाहर उतरना चाहिए. वी मस्ट नॉट ट्रेवल ऑन द फुट बोर्ड ऑफ अ बस,
और बस के फुटबोर्ड पे भी ट्रेवल नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर वाइल ड्राइविंग। जब बस ड्राइवर बस को ड्राइव कर रहे हों उस समय बस उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वी मस्ट कीप क्वाइट इन द बस, और बस में हमेशा कीप शांत रहना चाहिए। कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे ब्लेड, नाइफ या सीजर्स से नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट विद वेट हैंड्स। गीले हाथों से वायर्स को या सॉकेट को टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट जंप ऑन फर्नीचर और रन ऑन द स्टेयर्स। कभी भी फर्नीचर्स पे जंप नहीं करना चाहिए, ना ही स्टेयर्स पे दौड़ना चाहिए। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग एन एल्डर। अपने बड़ों की सलाह के बिना कभी भी कोई मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। आफ्टर यूज कीप द बुक्स एंड टॉयज एट देयर प्रॉपर प्लेस। बुक्स और टॉयज़ को यूज़ करने के बाद यानी पढ़ने और खेलने के बाद वापस उन्हें उनकी जगह पर रखना चाहिए। सेफ्टी इन स्कूल। डू नॉट रन इन द कॉरिडोर। वी शुड नॉट रन इन द कॉरिडोर। यू मे गेट हर्ट और हर्ट समवन एल्स। आप खुद को भी चोट पहुंचा सकते हैं और दूसरों को भी। डू नॉट पुश और पुल नियर स्विंग्स एंड स्लाइड्स। वेट फॉर योर टर्न। झूलों के पास किसी को भी पुश या पुल नहीं करना चाहिए और अपनी चांस का वेट करना चाहिए। डू नॉट जंप ऑन द डेस्क एंड चेयर्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में बेंच या चेयर्स पे जंप नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले नियर बार्ब वायर्स। कभी भी वायर्स के पास नहीं खेलना चाहिए। एंड डू नॉट कीप बैग्स एंड बॉटल्स ऑन द फ्लोर एज दे कैन ब्लॉक द वे। बैग्स और बॉटल्स को कभी भी फ्लोर पे बिखेर कर नहीं रखना चाहिए। Some other safety rules. You must be accompanied by elders while swimming. Swimming के समय हमेशा अपने बड़ों के साथ ही swimming pool में जाना चाहिए. Light candles in the presence of an adult. अपने से बड़ों के सामने ही candles को जलाना चाहिए. Do not play with crackers. कभी भी crackers से नहीं खेलना चाहिए. Never tease stray animals यानी सड़क पे घूमने वाले जानवरों को नहीं छेड़ना चाहिए। they are also living thing, वो भी living thing होते हैं। और they may hurt you, वो आपको hurt भी कर सकते हैं। avoid playing on the roof, छत पे खेलने को avoid करना चाहिए। First aid is the immediate help given to a person who is injured before the doctor arrives. First aid injured person को यानी घायल व्यक्ति को दी हुई वो पहली help है जो doctor के आने के पहले जो treatment दी जाती है उसे first aid कहते हैं। We must keep a first aid kit handy at home and in school. School और घर में हमेशा हमें एक first aid kit रेडी रखना चाहिए। हेयर आर समथिंग दैट कैन बी केप्ट इन अ फर्स्ट एड किट। वी कैन कीप बैंडेड एंटीसेप्टिक लोशन सीजर्स कॉटन वूल एंड मेडिसिन इन अ फर्स्ट एड किट। कॉमन एक्सीडेंट्स एंड फर्स्ट एड। अगर कहीं जल जाता है तो हमें उस जली हुई जगह पर आइस क्यूब या कोल्ड वाटर से धोना चाहिए। अगर इन केस ऑफ अ वुंड वॉश इट विद क्लीन वाटर एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन ओवर इट। घाव हुई जगह पर क्लीन
करके, वाटर से क्लीन करके वहाँ एंटीसेप्टिक लोशन भी लगाना चाहिए। ग्रैनी सेज फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स नॉट ओनली कीप्स अस सेफ बट ऑल्सो अदर्स अराउंड अस। ग्रैनी कहती हैं कि सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने से हम खुद को ही सुरक्षित नहीं रखते बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखते हैं। फर्स्ट एड कैन सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन इफ गिवन प्रॉपरली एंड एट द राइट टाइम। फर्स्ट एड किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है अगर हम उसे सही समय पर और सही तरीके से देते हैं। Recap. Let's have a recap of this chapter. We can avoid accidents by following safety rules. We should cross the road at the zebra crossing. We should not run or play on the road. We should not play with sharp objects. First aid is the immediate help given to an injured person. Children, you are supposed to follow these instructions for the better understanding of this. While reading, make a list in rough notebook and learn them. Watch the video of the chapter again and again till you understand the content well, along with reading the chapter from the book. Do the assignments given to you in EVS Fair notebook neatly and learn the notes. Thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe and healthy.